साक्षी बनी बिद्या की हम शक्ल, घर वालों की आंखों में झोंका धूल। दोस्तों, सीला सुहागन में आ रहे हैं ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहां हमें देखने को मिल रहा है बिंदिया बदली बदली नजर आ रही है। बिंदिया का ये रूप घर वालों ने नहीं देखा था, तो घर वालों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि यही बिंदिया है। वहीं आने वाले एपिसोड में होगा बड़ा खुलासा। आपको बता दें, साक्षी ने बिंदिया का रूप रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, साक्षी ने मास्क के जरिए बिंदिया की शक्ल को अपना लिया है और साक्षी चाहती है प्रॉपर्टी में हिस्सा। उसे लग रहा है कि बिंदिया अगर डिवोर्स के नाम पर पैसे मांगेगी तो उसे पैसे मिल जाएंगे। आपको बता दें, साक्षी के सामने जब कृष की माँ ने बिंदिया को चाबियां दी घर की, तो साक्षी पूरी तरह से भड़क गई। उसे लगा कि उसका जो हक था वो किसी और को मिल रहा है। साक्षी आग बबूला हो गई और उसने उठाया बड़ा कदम। उसने बिंदिया को किडनैप कर दिया और बिंदिया का रूप रख लिया। अब साक्षी लौटी है बिंदिया के रूप में, लेकिन यहाँ पर किसी को यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि बिंदिया कृष के घर वालों को अरेस्ट करवा रही है और उनसे बदला लेने की बात कर रही है, उन्हें सबक सिखाने की बात कर रही है। एक वीडियो भी कृष के पास है जिसमें कि बिंदिया ये सब कर रही है। ऐसे में कृष को तो यकीन हो चुका है कि ये बिंदिया है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि साक्षी बिंदिया बन जाएगी और मचाएगी उद्धम। कृष के परिवार में होगा बड़ा बवाल। साक्षी पैसों के चक्कर में ये सब कर रही है, लेकिन कृष भी इतनी आसानी से पैसे नहीं देने वाला बिंदिया को। और कृष चाहता है कि बिंदिया को जल्द से जल्द घर से निकाल दे। कृष को बिंदिया से हो गया था प्यार, लेकिन यहाँ पर आ गया बड़ा ट्विस्ट। ऐसे में अब देखना होगा क्या कृष को पता चल पाएगा कि साक्षी बिंदिया है और साक्षी ने बिंदिया को किडनैप कर लिया है। क्या सच आएगा सबके सामने? क्या लगता है आपको इस बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और टेलीविजन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट चटपटी गॉसिप्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।